हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लच्छा पकोड़ा। ये मैंने एक पाव बोनलेस ली थी, इसको मैंने इस तरह जो है कि उसमें पतला करके काट लिया है। अब ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच कुटा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, ये दोनों चीज़ें कुटी हुई हैं, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच नमक लिया है। ये हम सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैंने ये 1.5 लीमू लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए जी, मैंने लीमू इसमें निचोड़ दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। ये अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 1 से 2 चम्मच बस। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसका मसाला मिक्स कर दिया है। मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा और अच्छी बात है कि आप इसको जो है ना ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा गोश्त। चलें अब इसके लिए हम जब तक के आलू ग्रेट करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं, इसका पानी मैंने पूरा ड्राई कर लिया है। ये देखें इस तरह से, ये 4 आलू लिए थे, इसमें से मैंने थोड़े से आलू जो हैं उठा लिए हैं। ये चिकन भी हमारी मैरिनेट हो गई है और सेम वही मसाले हैं जो हमने चिकन में डाले हैं वही हम इसमें डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है भाई, ये आलूओं का अपना जो थोड़ा बहुत पानी होगा ये इसी में ही होंगे। ये थोड़ा सा मैंने बेसन और लिया है, 1.5 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये चाट मसाला है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सिर्फ इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ये मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे, इसको हाथ पे इस तरह से फैलाएंगे। अब इसमें हम 1 चिकन का पीस रखेंगे, फिर इस पर थोड़ा सा हम यही बैटर लगा देंगे इस तरह से, और ये ऑयल जो है हमारा गरम हो रहा है। इसी तरह से हम और बनाएंगे। बस ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना। बहुत स्लो फ्लेम। चलिए जी, देखिए हमारा चिकन पकोड़ा तैयार है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये। आप रमज़ानों में भी इसको बनाएं, बना के ट्राई करें। रमज़ानों में भी अफ्तार में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा आपको तोड़ कर दिखा देती इसको। ये देखिए, बहुत गर्म हो रहा है। चलिए जी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी फिर किसी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।